हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं टेक लीडर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2021 के अंदर आपको कौन सा देखने को मिलने वाला है। एंड बेसिकली मुझे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बजट हम लोग ने कोई डिसाइड नहीं किया, बट ये जो गेमिंग लैपटॉप है एकदम हाई एंड गेमिंग आप कर सकते हो। सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2021। एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाले हैं एंड वीडियो को पूरी एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे और कमाल की वीडियोस के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके साथ बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, जो जो लेटेस्ट हम लोग के पास अपडेट्स आएगी सारी चीज़ों की। अब बात करते हैं जो हमारा बेस्ट लैपटॉप है वो है एसर का प्रीडेटर 300, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप लगा। इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर मिलता है 10th जनरेशन वाला, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छा है। एंड ऑब्वियसली बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो ऑलराउंडर है एंड यहाँ पर आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग हाई एंड की कर सकते हो, उसके अलावा और भी जो आपके जो काम होंगे डेली वर्क के लाइफ के आप वो भी कर सकते हो। अब सिंपली हम लोग जिसके स्पेसिफिकेशन है उसकी तरफ चलते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको कि क्या क्या इसके प्रोज हैं एंड क्या क्या कौन से मतलब आपको पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें मिलती है, नेगेटिव क्या मिलती है एंड प्राइसिंग क्या होने वाली है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो भी 10th जनरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। विंडोज 10 का आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि दोनों स्टोरेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एंड बेसिकली अगर हम लोग इसके ग्राफिक की बात करें तो NVIDIA का RTX 3060 जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है, तो मतलब हाई एंड गेमिंग आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको गेमिंग देखने को मिलने वाली है। 32 GB की रैम है, तो मतलब रैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड आप यहाँ पे कोई भी जितना भी गेम है वो आप एकदम हाई एंड लेवल पे खेल सकते हो। 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक IPS डिस्प्ले है एंड आपकी जो गेमिंग है ना, अगर डिस्प्ले बड़ी होगी तो गेमिंग में और ही मज़ा आता है, तो डिस्प्ले आपको ऑब्वियसली बात बड़ी मिलने वाली है। एंड 6 Core and 12 Thread का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो गेमिंग है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है एंड प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही हाई लेवल की है। तो अगर आप एडिटिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो, तो बेसिकली एडिटिंग की बात करूं तो जो हमारा यहां पे जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, एडिटिंग आपकी बहुत जल्दी होगी एंड वीडियो की जो रेंडरिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा कम टाइम लेगा, तो मतलब आपकी जो वीडियोस हैं बहुत जल्दी क्विक आपकी जो वीडियो है वो एकदम 100% हो जाएगी एंड आप उसको बहुत ही जल्दी आउटपुट जो उसका है वो आप निकाल सकते हो। अब लैपटॉप के डिजाइन की बात करते हो तो बैक साइड में आपको एक लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली यहां पे एसर के प्रेडेटर का जो मेन लोगो है वो आपको देखने को मिलता है एंड पीछे से जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा कूल लगता है। एंड अगर आप एक बेसिकली गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये मेरे ख्याल से द बेस्ट चॉइस होगी। एंड नीचे से भी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा कूल देखने को मिलता है एंड लाइटनिंग भी आपको देखने को मिलती है, तो पीछे से जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा एंड क्लीन देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको नॉच भी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, एकदम डिस्प्ले जो एकदम क्लीन शेप में है एंड फ्रंट जो आपका कैमरा है वेबकैम जो है वो भी एकदम बीचों बीच में एकदम काफी एक्यूरेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 60Hz से लेकर 240Hz तक यहाँ पे रिफ्रेश रेट जाता है, तो आप जो गेमिंग है वो आपको एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, यानी कि जो लाइटनिंग है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होगी एंड आप कस्टम भी कर सकते हो, मतलब आपको जिस कलर में चाहिए उस कलर में आप अपनी जो कीबोर्ड है उसकी लाइटनिंग कर सकते हो, तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा कूल लगेगा। एंड अगर आप लाइट बंद करके गेमिंग करते हो अपने लैपटॉप में, तो बेसिकली जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वाईफाई 6 का सपोर्ट करता है, तो जो आपका कनेक्शन है वो भी काफी स्ट्रांग रहेगा एंड नेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप गेमिंग करते हो, कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हो,
करते हो तो नेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी एंड ब्रेक नहीं होगी बीच बीच में एंड साथ ही साथ ईथरनेट आपको 2600 देखने को मिलता है। तो अगर आप ईथरनेट भी कनेक्ट करते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलने वाला है। तो नेटवर्किंग के मामले में भी ये जो लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब हम लोग पोर्ट की बात करते हो तो यहाँ पे 3 आपको USB के पोर्ट मिल जाते हैं, यानी कि आप अपनी जो आप अलग से एक्सटर्नल चीज़ हैं जैसे कि माउस लगाना है, अगर आपको अलग से कीबोर्ड लगाना है तो वो सारी चीज़ें लगा सकते हो, पेन ड्राइव लगाना है तो वो सारी चीज़ें लगा सकते हो। टाइप सी का भी इसमें पोर्ट है तो आप टाइप सी का भी केबल अगर आप आईफोन यूज़र हो, iOS यूज़र हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ईथरनेट का सपोर्ट मिलता है, आप यहाँ पे नेट अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो एंड साथ साथ यहाँ पे आपको जो आपका पावर बटन है यानी कि जहाँ से आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज होगा वो भी आपको देखने को मिलता है। तो पोर्ट जो है वो सारी चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलती है एंड एक तरीके से बात करूँ तो ऑल इन वन पैकेज है, सारी चीज़ें आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलती है एंड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप गेमिंग करते हो, मूवीज़ देखते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी कूल होगा। अब जो मेन चीज़ है उसकी बात करते हैं, आखिर प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो 1,60,000 रुपीज़ का ये ऑन द प्राइस है, मतलब ऑन द नोट आपको यही प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है, बट एक्चुअली में डिस्काउंट के बाद लगभग ये आपको 40,000 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिल सकता है ऑनलाइन मार्केट में। तो लगभग 1,20,000 में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा एंड गेमिंग लैपटॉप के लिए अगर आप इसको प्रेफर करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है एंड मेरे लिए तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है 2021 में द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप में इसी को रेकमेंड करूँगा एंड आप ज़रूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक हाई एंड गेमर हो एंड आप कोई गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ज़रूर से इसकी तरफ जा सकते हो एंड ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल आज के रस्ते मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग टेक टॉक चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।